किन्नौर में पूरे दिन बरसात और भूस्खलन की वजह से कारण वांगतू और निगुलसरी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से बंद पड़ गया है। 20 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही के लिए इसे बहाल किया गया। वहीं झाकड़ी के पास ब्रोनी नाले के पास NH को बहाल कर दिया गया है। सुबह से ही जिला किन्नौर में धूप खिली हुई है, जिस कारण लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग की तरफ से 25 जुलाई तक मौसम की खराबी की आशंका जताई गई, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर लोगों को आवश्यक यात्रा करने के लिए कहा गया है, अनावश्यक घरों से ना निकले ये कहा गया है। तस्वीरें आप देखिए कि भूस्खलन कितनी बड़ी समस्या बन गया है। घाये भगाए भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रखी हैं। भूस्खलन के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि बहाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रास्तों को बहाल किया जा रहा है, लेकिन बार बार भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि एक तो बरसात का ये मौसम है और भारी बरसात इस दफा हुई है। ऐसे में भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ रास्तों को खोला गया है, कुछ रास्ते अभी भी बंद पड़े हैं। इधर प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो यात्रा ना करें, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कब एक बार फिर भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन हुआ, किस तरह से रास्ते बंद हो गए, भारी परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी है। और जब जब भूस्खलन होता है उसके बाद देखिए लगातार प्रयास किया जाता है तुरंत रास्तों को बहाल किया जाए, क्योंकि रास्तों पर जाम लगने की स्थिति पैदा हो जाती है। 20 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही इस नेशनल हाईवे पर यहाँ पर शुरू हो पाई। इधर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को बहाल कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता सुरेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, देखिए लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, राहत की बात है कि कुछ रास्तों को बहाल किया गया है, क्या जानकारी आपकी? बिल्कुल, जनजातीय जिला किन्नौर में जो है जो निगुलसरी के पास जो है वो जो है पिछले 20 घंटों से सड़क मार्ग बंद था, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जहाँ पर जो है ऊपर से जो है लगातार स्लाइड हुआ था। और जहां तक हम NH प्राधिकरण के कर्मचारियों की बात करें तो ऐसे में कि मौसम खराब है और लगातार जो है बारिश के दौर जारी है, ऐसे में सड़क मार्ग खोलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज कुछ मौसम में जो है मौसम खुल गया है, जिससे जो है NH प्राधिकरण द्वारा सड़क मार्ग को बहाल कर दिया है। जी जहां तक हम बात करें NH प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता KL सुमन जी जो है पूरी नजर बनाए बैठे हैं और पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए वो जो है सब सड़क मार्गों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को बहाल कर दिया गया है, लगातार भूस्खलन की तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही है।